देखिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न पत्र की। ठीक है, मैंने आपको पहला दूसरा पेपर बता दिए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है, नीचे डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज का प्रश्न पत्र तीन की, आपका इसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए क्या क्या आएगा इसमें, अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन होगा, मतलब पेपर होगा, इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे आपके? 150 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका तीन नंबर का होगा। कितने का होगा? तीन नंबर का होगा। और गलत अंक के लिए आपको एक अंक आपका इसमें काटा जाएगा। ठीक है, सही क्वेश्चन के लिए आपको तीन अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए एक आपका काटा जाएगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन पे होंगे आपके 150, ये आपके 450 अंक के होंगे। कितने होंगे? 150 क्वेश्चन 450 अंक के होंगे। ठीक है, और ये परीक्षा आपकी 2 घंटे की होने वाली है। ठीक है, 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 3 अंक का एक क्वेश्चन है और गलत के लिए आपका एक अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में जरूर रखें और आपका टोटल 450 अंक का पूर्णांक होगा। अब इसमें आपको करना क्या, देखिए इसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, 30% अंक अगर आपके नहीं आते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, यानी कि इसके आप योग्य ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके फर्स्ट पेपर में कितने भी आए हों, 30% तो लाने हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में, लेकिन ऊपर आपके कितने भी आए हों तो आप अगर इसमें 30% नहीं लाते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ज़रूर ध्यान रखें। अब 30% अंक की अगर बात करूं तो 450 का 30% यानी कि आपको लगभग 135 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके 135 अंक नहीं आते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को। ठीक है, और आप चाहें आपके फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में कितने ही अंक आए हों वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको 30% हर एक पेपर में लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार करी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, अब बात करेंगे सिलेबस में सामान्य ज्ञान में पढ़ना क्या क्या है। देखिए इसमें जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे आपके, देखिए वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी। ठीक है, जो किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा, देखिए इसमें पढ़ेंगे हम झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों में संबंध, विशेष रूप से संभव प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आ सकते हैं इस रिलेटिव, हमें समसामयिकी पर क्वेश्चन पढ़ने हैं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामाजिक विकास, पंचवर्षीय योजना और इसमें झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनीति की जानकारी इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, ये आपका इसमें पहला हो गया, ये तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरे विज्ञान से क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो विज्ञान से क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, विज्ञान से क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। इसमें जो आने वाले, देखिए विज्ञान से क्या क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपका सामान्य विज्ञान में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव आधारित विज्ञान की सामान्य समझ पर परिपोष से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, मतलब आपके 10th लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10th लेवल की आप तैयारी करें, ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, 10th लेवल का आपका सिलेबस है, हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सामान्य गणित की अगर बात करूं तो सामान्य गणित से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपके, देखिए इसमें पूछे जाएंगे आपके अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये आपका 10th लेवल का होगा। कितने होगा? 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करें मानसिक क्षमता की जाँच, देखिए रीजनिंग की अगर बात करूँ, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसमें आपके, देखिए शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्मत अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके रीजनिंग में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको तैयारी करा दूंगा। ठीक है, जल्दी आपकी क्लास लेकर आऊँगा और सारा जितना भी सिलेबस मैं आपको इसमें कंप्लीट करा दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए
इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी याद करना है, ठीक है, इसकी भी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। सभी को मिलाकर आपके जब भी जब सब आप सब्जेक्ट सही होंगे जब भी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूँ अगला, देखिए इसमें झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, झारखंड से भी, क्योंकि झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड से रिलेटेड उसमें पूछे जाएंगे ही, ठीक है। उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, देखिए झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खानपान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व विषय से इसमें संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे झारखंड से ये आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 40 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो सारा सिलेबस इसमें मैंने आपको करा दिया है, सिलेबस मैंने बता दिया है, इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तैयारी किसी से भी करिए, आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, सभी अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ें तो चैप्टर बाय जरूर पढ़ें, ठीक है। और मैं आपके लिए क्लास इसमें लेकर आऊँगा जल्दी ही, आपके इस सब्जेक्ट की सामान्य ज्ञान की भी, ठीक है, जो पेपर थर्ड होगा इसी क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।